हेलो क्लास, आई एम उज्जवल सर। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। जो आज हम लोग पहुंच चुके हैं नाइन्थ क्लास में। आज हम नाइन्थ क्लास की कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। बड़ा आपको है ना जानकारियां मिलने वाली है, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। आप सभी नौवीं क्लास के, नौवीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है मेरे इस वीडियोज में। मैं आपका वही पुराना दोस्त उज्जवल सर स्वागत करते हैं हमारे इस कक्षा में। हम लोग बच्चों आज अध्याय 11 देखने वाले हैं। कक्षा नाइन्थ का है यह, जिसका नाम है कार्य तथा ऊर्जा, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा। देखिए, सबसे पहले यह समझे कि कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या हो सकता है। ठीक है बच्चों, आप सबको पता है क्या कि मनुष्य है ना, मनुष्य एवं जानवर जीवित रहने के लिए, ठीक है, जीवित रहने के लिए, जीवित रहने के लिए बहुत सारे दैनिक अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, या फिर दैनिक कार्य करते हैं। बहुत सारे दैनिक कार्य करते हैं मनुष्य एवं जानवर जीवित रहने के लिए। ठीक है, मनुष्य को एवं जानवर को जीवित रहने के लिए बहुत सारे दैनिक कार्य करने पड़ते हैं। ठीक है, इन सभी को ठीक है, दैनिक कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता है भाई? भोजन की आवश्यकता होती है। वो यहाँ है ना? यस, भोजन लेते हैं, फिर हम लोग ये दैनिक कार्य करते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। दैनिक कार्य करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? भोजन की आवश्यकता होती है हमें। ठीक है, सभी जीवित प्राणी भोजन से ऊर्जा प्राप्त कर अनेक दैनिक गतिविधियां करते हैं। भाई, अगर आपको अनेक गतिविधियां करनी है तो सजीवों को भाई किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भोजन की। अगर वो भोजन लेता है तो उनसे उसको ऊर्जा प्राप्त होती है, और वह ऊर्जा प्राप्त करके अनेक दैनिक गतिविधियां करते हैं। ठीक है, यह ऊर्जा दैनिक कार्यों को करने में खत्म हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और उन्हें पुनः भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पुनः क्या चीज की आवश्यकता पड़ जाती है भाई? भोजन की। दैट मीन्स आप भोजन लीजिए, भोजन से आप ऊर्जा प्राप्त कीजिए,
अपने सारे दैनिक कार्य को कीजिए और उसके बाद जैसे ही खत्म हो गई पुनः आप भोजन की, मतलब कहे तो ऊर्जा की स्रोत कौन है? भोजन भाई, अर्थात भोजन, अर्थात भोजन ऊर्जा का एक स्रोत है, भोजन ऊर्जा का एक स्रोत है, ठीक है। किसके लिए भाई? जीवित प्राणियों के लिए, ठीक है ना, किसके लिए? अर्थात ठीक है, जीव के लिए, अर्थात जीव है ना, सजीव ये कह सकते हैं, अर्थात सजीव के लिए, सजीव के लिए भोजन ऊर्जा का एक स्रोत है, केवल सजीव के लिए, निर्जीव के लिए नहीं। अब जैसे भाई मशीन है हमारे पास, कोई मशीन है, ठीक है, मशीन है, मशीन को कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है, ठीक है ना, यस, ईंधन, फ्यूल से, ईंधन से प्राप्त होती है, ठीक है भाई, ईंधन से प्राप्त होती है, ठीक है ना। वो ईंधन किसके रूप में? ईंधन, ईंधन रूप में डीजल एवं पेट्रोल प्रयोग की जाती है भाई, डीजल एवं पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, प्रयोग की जाती है, ओके, समझ गए, इसकी आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो सजीवों को भोजन से ऊर्जा मिलती है, उस भोजन से ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा कहां वो खर्च करते हैं? कार्य करने में भाई, या ऊर्जा अपने दैनिक कार्यों को करने में खत्म कर लेते हैं, ठीक है ना, वो दैनिक कार्य करेंगे तो उसकी सारी ऊर्जाएं खत्म हो जाएगी, पुनः उसको भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, बोलिए। तो सजीव को भोजन से ऊर्जाएं मिलती है, और ऊर्जा का प्रयोग कहां करते हैं? वो काम करने के लिए करते हैं, कार्य करने के लिए करते हैं। और अगर मशीनों को, जो हमारे पास, जिसने भी हमारे पास मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है, जितने पास मशीन है, MACHI यानी मशीन, जितने हमारे मशीन है, उन मशीन को कार्य करने के लिए ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। वो ईंधन आप डीजल, पेट्रोल या फिर लकड़ियों के रूप में ले सकते हैं। कुछ हमारी मशीन जो है, जिसे लकड़ियों से, कोयला से, यस, हमारे जो पहले जो ट्रेन हुआ करती थी उसको जो है उष्मा ऊर्जा, ठीक है, प्राप्त होता था। कहां से प्राप्त होता था? कोयला से प्राप्त होता था, ठीक है, यस। तो भाई हमको ये सब आवश्यकता पड़ती है, बोलिए। अगर आपको अनेक गतिविधियां करनी है, दैनिक कार्य करना है, ठीक है, तो आपको आवश्यकता पड़ेगा, किसका आवश्यकता पड़ेगा? ऊर्जा का आवश्यकता पड़ेगा, बोलिए। तो आप कार्य ऊर्जा को थोड़ा सा यहां पर जो कुछ भी है वो समझ पा रहे हैं कि कार्य क्या हो सकता है, ऊर्जा क्या हो सकता है, ठीक है ना, यस। बोलो भाई, मनुष्यों को और जीवित व्यक्तियों को, जीवित प्राणियों को, ठीक है, अनेक गतिविधियां करनी पड़ती है, जीवित रहना है तो करना ही करना पड़ेगा भाई। जानवरों को क्या करना पड़ता है? अनेक गतिविधियां क्या करना पड़ती है उसको? शत्रुओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है, उनसे बचने का उपाय ढूंढना होता है, उन्हें अपने लिए घर बनाना होता है। अनेक जानवर आपको पता है अलग अलग प्रकार के अपने तरीके से घर बनाते हैं वे, ठीक है, पक्षियां हो गई, हंड चूहा हो गया भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, कुछ शेर हो गए, ठीक है, कुछ अलग अलग जानवर, मतलब अपने अपने तरीके से, जिनके पास जितना ज्ञान है उसके अनुसार से वो अपने लिए घर बनाते हैं, अपने लिए भोजन ढूंढते हैं। शेर शिकार पर निकलता है, शिकार करता है, शत्रुओं से बचने की कोशिश करता है। तो अलग अलग जीवित रहने के लिए ना, सारे जीवित प्राणी कुछ ना कुछ गतिविधियां करते हैं। हम मानव प्राणी, मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, वो किस स्रोत से पढ़ा रहा हूं, यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं, है ना। तो हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है जीवित रहने के लिए, ठीक है ना, यस, कार्य करना पड़ता है। और अगर उसे काम करते रहना है, लगातार काम करते रहना, आज भी किया, कल भी किया, परसों भी किया, तो अगर लगातार उसे काम करते रहना है तो दैट मीन्स उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो समझ पा रहे हैं आप, समझ पा रहे हैं आपकी कार्य ऊर्जा कहां से रिलेट हो रहा है, बोलिए। कोई दिक्कत? पक्का कोई दिक्कत नहीं है आपको? यस भाई, सजीव, ठीक है, सजीव के दैनिक कार्य जैव प्रक्रम कहलाते हैं, ठीक है ना, जैव प्रक्रम कहलाते हैं भाई, जैव प्रक्रम कहलाते, मतलब जैविक प्रक्रम, प्रक्रिया है उसका, क्या रहने का, जीवित रहने का,
जो भी दैनिक कार्य है, जीवित रहने के लिए जो भी दैनिक कार्य कर रहे हैं वो वही उनका क्या है भाई, वो जैव प्रक्रम है, ठीक है, वो जैविक प्रक्रम है जिससे वो जीवित रह सकते हैं। बोलिए, अगर वो काम नहीं करेंगे, अगर वो अपने लिए यह सब है ना बचने का उपाय नहीं ढूंढेंगे, अगर हम लोग अपना घर नहीं बनाएंगे तो कभी हमें खतरे से का सामना करना पड़ सकता है और हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। रोज अगर हम लोग अपने भोजन की खोज में नहीं निकलेंगे, भोजन लिया हम, देख लो कितना कितना मतलब भाई असाधारण सी बात है कि भोजन लिए, ऊर्जा प्राप्त हुआ, फिर से निकल पड़े वही करने के लिए जो अभी हमने किया था। भोजन लिया, ऊर्जा प्राप्त किया, फिर उसी ऊर्जा को खर्च करने निकल पड़े हैं, कहां, उसी भोजन की प्राप्ति के लिए जो भोजन कुछ देर पहले लिए थे, ठीक है ना। देख लो मतलब आपको जीवित रहने के लिए भी सोने के लिए, खाने के लिए, सॉरी सोने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है ना, या फिर केवल सोने के लिए, केवल आपको अपना समय बिताने के लिए, यह भी एक छोटा छोटा काम है भाई, ये छोटे छोटे कार्य हैं, सोना, समय व्यतीत करना, ठीक है, बैठना, कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है उसको सुनना, ये छोटे छोटे कार्य हैं, इसको भी करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो दैट मीन्स अगर मानव अगर नहीं निकले कार्य करने के लिए, तो वो अगर एक बार भोजन ले लिया तो वह भोजन से ऊर्जा जो प्राप्त हुई वह ऊर्जा कहीं ना कहीं खत्म हो ही जाएगी अगर वह पुनः अपने कार्य पर नहीं निकलते हैं तो, क्योंकि एक छोटा छोटा कार्य है बैठना, ठीक है, सोना, समय व्यतीत करना, बैठ करके आप समय खर्च कर रहे हैं तो आपकी शरीर तो काम कर रही है ना, बिकॉज योर बॉडी इज अ मशीन, एक मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे आंख देखने की काम कर रहा है, उस देखने का काम पूर्ति करने के लिए भोजन को, सॉरी शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, समझ रहे हैं ना आप, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी और कार्य होगा, समझ रहे हैं। चलिए, दिस इज द थिंग ऑल अबाउट, आपके चैप्टर के बारे में यही कुछ है, ठीक है। चलिए तो बच्चों, इस अध्याय का नाम है 11 और हम लोग 11.1 पर पहुंचते हैं जिसका नाम है कार्य। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? कार्य। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क, ठीक है, यस। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखने वाले बच्चों? कार्य, कार्य क्या है, ठीक है, कार्य क्या हो सकता है, ठीक है, यस। इस अध्याय में हम कार्यों या फिर इस अध्याय में हम कार्य के अलग अलग, ठीक है, कार्य के अलग अलग अवधारणा एवं परिभाषा पर विचार करेंगे, एवं परिभाषा पर विचार करेंगे, ठीक है, परिभाषा पर हम लोग क्या करने वाले हैं? विचार करेंगे, ठीक है, परिभाषा पर हम लोग क्या करने वाले हैं? विचार करेंगे, ठीक है, यस। कार्य के अनेक, ठीक है, परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो यही कुछ करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। इस अध्याय में हम लोग क्या करने वाले हैं? कार्य की अलग अलग परिभाषाओं, अवधारणाओं के बारे में देखेंगे, कार्य अलग अलग अवधारणा क्या है कार्य के बारे में, अलग अलग परिभाषाएं का विचार क्या है, अलग अलग परिभाषा क्या हो सकता है, ठीक है, और कार्य के अनेक परिभाषा को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। जो भी हमारे पास विचार आएगा, परिभाषा भी जो भी आएगा कार्य के बारे में, उसको हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझ में आ गई। फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने नोट्स में डाल दीजिए, ओके। चलिए, मिटाता हूं मैं और अपने यात्रा को आगे बढ़ाता हूं। तो अब तक आपने समझ चुके हैं कि हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अगर दैट मीन्स कि अगर हमने कुछ कार्य कर लिया तो हमारी ऊर्जाएं खत्म होंगी, ठीक है,
ऊर्जाएं खर्च होंगी, है ना। ये थोड़ी बहुत आपने जान लिया है। बच्चों हम लोग पहुंचते हैं 11.1.1 पर, ठीक है। वो क्या है, कठोर कठोर काम करने के बावजूद, कठोर कार्य या काम करने के बावजूद अधिक अधिक, ठीक है, कठोर काम करने के बावजूद अधिक कार्य का नहीं होना, अधिक कार्य का नहीं होना, ठीक है। यस बच्चों, अधिक कार्य नहीं कहलाते हैं अगर आप कुछ अधिक कठोर काम किए भी है तो। अब यहां पर यह अवधारणा क्या है भाई, कठोर काम हम कर रहे हैं उसके बावजूद भी कहा जा रहा है कि आपने कोई अधिक कार्य नहीं किया है, कोई अधिक कार्य नहीं किया है। ऐसा आपके साथ रोज होता होगा, आप पढ़ाई करके जाते होंगे, पढ़ करके जाते होंगे स्कूल से, ध्यान देना, आप पढ़ के जाते होंगे, है ना। कार्य नहीं होना, मैं लिखता हूं, हम ऐसे बहुत बहुत सारे कार्य करते हैं, कार्य करते हैं जो कठिन होता है, जो कठिन होता है, लेकिन लेकिन यह अधिक कार्य, लेकिन यह अधिक कार्य करना नहीं कहलाता, कार्य करना नहीं कहलाता है, ठीक है। अधिक कार्य करना नहीं कहलाता है भाई। जैसे आप उदाहरण ले सकते हो, ठीक है, उदाहरण ले सकते हो क्या, सोना, अगर तुम सोते रहो कोई कहेगा तुमने काम किया है, बोलो, है ना भाई, सोना, ठीक है। गाना सुनना, बोलो, तुम गाना सुनते रहोगे, कोई तुमको कहेगा तुमने अधिक काम किया है, लेकिन गाना सुनते रहो भाई, उसको उस काम को करने के लिए, यस, है ना, मतलब आपको ऊर्जाएं खत्म होंगी, ठीक है, यस भाई। स्कूल जाना, रोज क्या करना, स्कूल जाना, बोलो, है ना, स्कूल जाना, ठीक है। बैठना स्कूल में, क्या करना, बैठना, ठीक है, यस। क्लास में उपस्थित रहना भाई, क्लास में क्या करना, क्लास में उपस्थित रहना, ठीक है, क्लास में उपस्थित रहना, ठीक है, ये भी एक काम है, ठीक है ना। शिक्षक, ठीक है ना, शिक्षक द्वारा पढ़ाने पर सभी विषयों को आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोलिए, है ना। ये भी कोई एक आसान सा काम नहीं है, बड़ा कठोर सा काम है, बोलिए, यस, ओके। उसके बाद गृह कार्य करना, बोलो, है ना, गृह कार्य करना, ओके, यस। गणित एवं विज्ञान का कार्य करने के लिए अधिक, ठीक है, अधिक मस्तिष्क पर जोर देना, ठीक है, मस्तिष्क पर अधिक जोर दे रहे हैं, यह भी एक कार्य है, देख लो, समझ गए, यस। और क्या, मान लो क्या, कोई पत्थर का गुटका है, ठीक है, बड़ा सा गोला है, ठीक है, जिसे, है ना, कोई पत्थर का बड़ा सा, है ना, बड़ा सा गुटका का मतलब है यहां पर, यस, बड़ा सा वस्तु, ठीक है, बड़ा सा, है ना, बड़ा सा, है ना, गुटका, जिसे आप खूब जोर लगाकर ठीक है धकेलते हैं, है ना,
धकेलते हैं और वह थोड़ा सा और वह थोड़ा सा ठीक है विस्थापित होकर थोड़ा सा विस्थापित होकर होकर पुनः अपने स्थान पर आ जाना पुनः अपने स्थान पर आ जाता है पुनः अपने स्थान पर क्या हो जाता है वो आ जाता है ठीक है यस जैसे ठीक है अपने सिर पर है ना अपने सिर पर ठीक है अधिक बोझ का है ना सामान रख कर ठीक है रखकर उससे जूझना ठीक है उससे जूझना लेकिन उसे दूर ले जाने में असमर्थ हो जाना ठीक है क्या कर जाना असमर्थ हो जाना ठीक है आदि भाई ये सब क्या है आपका कठिन कार्य है भाई सभी नहीं कर सकते बड़ा कठिन कार्य है लेकिन इस कठिन कार्य को करने के बाद भी ठीक है क्या कहलाएगा ठीक है इस प्रकार के कठोर काम करने के बावजूद यह ठीक है वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक कार्य करना नहीं कहलाते ठीक है नहीं कहलाते बल्कि इसे करने में हमारी सारी ऊर्जा खर्च हो सकती है सारी ऊर्जा आपकी खर्च हो जाएगी ये करने में भाई कोई पत्थर का बड़ा सा गोला है एकदम कस के धक्का लगा रहे भाई लगा दिया थक भी गए बैठ गए ठीक है ना एक भारी भरकम सा बोझ ले लिया सर पे एकदम चलने की कोशिश कर रहे हैं डगमगाया और फिर रख दिया बोलो पूरी ऊर्जा खर्च हो गई मैं थक गया और मैं बैठ गया आप पूरी दैनिक कार्य कर रहे हैं जाके पढ़ाई कर रहे हैं बैठ रहे हैं क्लास में बैठ रहे हैं टीचर जो पढ़ा रहे हैं पढ़ रहे हैं पुनः आप घर वापस आते हैं और आप थक जाते हैं और आप सो जाते हैं सारी ऊर्जा खर्च हो जाती है बट यह वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक कार्य करना नहीं कहलाता यह सब एग्जाम्पल है कि कठोर कार्य कर तो रहे हैं आप लेकिन आपका कार्य अधिक कार्य करना नहीं कहलाता है यह सब देखिए आपका यहां तक की ऊर्जा भी बहुत खत्म हो रहा है भाई एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दे दिए देख लो भाई सोना गाना सुनना ठीक है स्कूल जाना बैठना बैठे हुए हो क्लास में उपस्थित रहे हो तुम शिक्षक जो भी पढ़ा रहे हो उस विषय को पढ़ रहे हो पढ़ना काम है भाई गृह कार्य करना घर पर आए जो काम दिया गया था उसको कर रहे हैं गणित विज्ञान में बड़ा जोर लगा रहे हैं अपने ब्रेनों का जोर लगा रहे हैं ठीक है कोई पत्थर है उसको धकेल रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा हिला डुला और फिर वो पुनः अपने स्थान पर आ गया कोई कहेगा आपने काम किया था जो आपको देखा वो देखा कि आप बहुत देर से प्रयास कर रहे थे लेकिन वो अभी नहीं कहेगा कि आपने काम किया बोलेगा चल हट जा तुमसे कोई काम नहीं हुआ इतना देर इसमें काम कर लिए लेकिन काम हुआ ही नहीं तुम बोझा लेके कोई बोलेगा आ जाओ भाई स्टेशन पे सामान लो स्टेशन उठा के आ जाओ तुम कुली हो और कुली तुमसे सामान उठा लिया तुमने सारा सामान और तुम स्टेशन तक पहुंच नहीं पाए बोलो पैसा मिलता है काम करने का मिलेगा भाई तुम थक भी गए तुम वही बेहोश हो गए डॉक्टर बुलाना पड़ा लेकिन क्या वो पैसे देके जाएगा नहीं देगा
क्यों नहीं देगा? क्योंकि यह अधिक कठोर काम तो किया है आपने, लेकिन कार्य नहीं कहला रहा है वैज्ञानिक दृष्टि से, दैनिक दृष्टि से अधिक कार्य नहीं कहला रहा है, अधिक काम आपने नहीं किया है, तभी तो आप इतना पढ़ाई वढ़ाई कर ले तो फिर भी घर वाले करते हैं, भर दिन अपना टाइम खराब कर लिया, कुछ करने वरने का तो सोचता नहीं है, समझ रहे हो ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने नोट्स में डाल दो, यह थ्योरी समझ में आ गई होगी तुमको, आ गई। चलो भाई मिटा दिया जाए इसे, चलो मिटा दूं, मिटा देता हूं मैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचो, वो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास 11.1.2, जो कि है कार्य की संकल्पना। कल्पना किया गया कि कार्य क्या है, फिर कार्य क्या है भाई, फिर कार्य किसको कहेंगे हम लोग, फिर कार्य की बच्चों संकल्पना किया गया, ठीक है, कार्य का कल्पना किया गया, क्योंकि कार्य करना कब कहलाएगा, अगर इससे पहले हम लोग इतना काम कर रहे थे और फिर भी काम करना नहीं कहलाया तो कार्य करना कहलाएगा कब, पहले हमको ये बताओ भाई, कब कहलाएगा कार्य, कब कहलाएगा पहले ये बता दो हमको, बोलो है ना, यस। तो देखो भाई, कार्य करना कब कहलाएगा ये बता ही दो हमको, तब हम समझेंगे कि कार्य करना क्या कहलाता है, ठीक है। कब कहते हैं कि कार्य हुआ है, तो देखना देखना भाई देखना, किसी वस्तु, ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य, ठीक है, कार्य करने के लिए आवश्यक दशा इस प्रकार है, ठीक है भाई। अगर आप किसी वस्तु पर काम कर रहे हैं तो वो काम करना तब कहलाएगा जब आप निम्न शर्त पूरा करेंगे, वो निम्न शर्त क्या है, पहला, ठीक है, किसी वस्तु पर ठीक है, किसी वस्तु पर बल लगाना, सबसे पहला आवश्यक है कि आप उस वस्तु पर बल लगाइए, और दूसरा आवश्यक शर्त है कि वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित करना। भाई विस्थापित करना क्या होता है, उसे उसके जगह से हिला देना, ठीक है, उसे एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर चला जाना। भाई सबसे पहला आवश्यक शर्त है कार्य करने के लिए, सबसे पहली स्थिति क्या होना चाहिए कि आप पहले ऊपर बल लगाओ, बल बिना लगाए कार्य नहीं हो सकता, ठीक है, यस। मैं यहां पर दावे के साथ लिख सकता हूं, ठीक है, मैं दावे के साथ लिख सकता हूं क्या, कि किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए बल की उपस्थिति आवश्यक होती है, ठीक है, बल की अनुपस्थिति पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगर बल की अनुपस्थिति है ना बच्चों, तो आप कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, मतलब सबसे प्रथम आवश्यक चीज है वो है बल। वह सबसे प्रथम आवश्यक जो कारक है, जो राशि है,
वह राशि जो कायम करने के लिए सबसे प्रथम आवश्यक है आपको, वह है आपका भाई बल। बल की उपस्थिति हो गई ना तो समझो कार्य करने के दिशा में आप पहला कदम रख चुके हैं। आ गई बात समझ में? यस, ठीक है, यस। अब नीचे देखो, यदि वस्तु पर बल कार्यरत हो, बल कार्यरत हो, तब उस वस्तु में विस्थापन, ठीक है, यदि वस्तु पर बल कार्यरत हो तब उस वस्तु में विस्थापन का उत्पन्न होना आवश्यक होता है। विस्थापन का उत्पन्न होना आवश्यक होता है, ठीक है। अर्थात उसके स्थिति में परिवर्तन होने पर कार्य कहलाता है। अगर आप उसके ऊपर बल लगाकर आपने विस्थापन कर दिया, मतलब अगर उसके स्थिति में परिवर्तन कर दिया, मैं यहां था और तुमने मेरे को धकेल के यहां कर दिया, काम किए आपने काम कर दिए भाई, और अगर आप मेरे को यहां से यहां करना चाहते हो तो आपको मेरे ऊपर बल लगाना ही पड़ेगा। बिना बल लगाए आप नहीं कर सकते मुझे, आप मुझे यहां से वहां नहीं भेज सकते हैं, है दम तो भेज के दिखाइए, नहीं कर सकते हैं आप, है ना। यस, तो कह रहे हैं यदि वस्तु पर बल कार्यरत हो तब उस वस्तु में विस्थापन का उत्पन्न होना आवश्यक होता है, ठीक है। यस, का उत्पन्न होना आवश्यक, उत्पन्न कब होना, जब आपको कार्य कहना है, जब आपको कहना है कि मैंने काम किया है, उत्पन्न होना आवश्यक होता है, अर्थात उसके स्थिति में परिवर्तन होने पर कार्य कहलाता है, ठीक है, या उसके स्थिति में परिवर्तन होना कार्य कहलाता है, ठीक है। उसके स्थिति में परिवर्तन हो गई ना तो कह दो कि तुमने काम कर दिया, काम आपने कर दिया, आपने चौका लगा दिया, ठीक है। यस, अब बच्चों बड़े दावे के साथ हम लोग इसके नीचे लिख सकते हैं क्या, कि किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए, किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए इन दोनों दशाओं का एक साथ होना आवश्यक है। एक साथ होना क्या है, आवश्यक है। ये दोनों एक साथ अगर हो गए ना तभी आपका कार्य कहलाएगा, अन्यथा आप कार्य को कहने से असमर्थ हैं। आप कार्य नहीं कह सकते कि मैंने काम किया है, बोलिए। आप कितना भी जोर लगा लें गोला वाला पत्थर पर, चपटा वाला पत्थर पर, त्रिभुजाकार पत्थर पर, और अगर वो आपसे विस्थापित नहीं हुआ, अगर उसके स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ, तो मैं कहूंगा आपने काम नहीं किया है, ठीक है। यह है कार्य की संकल्पना, कार्य का कल्पना किया गया कि भाई कार्य तभी कहलाएगा जब आपने ऐसा किया है कुछ। दोनों बल लगा रहे हैं आप सबसे पहले, और बल लगाने के बाद वो विस्थापित हो रहा है, दैट मींस आपने काम कर लिया, यही कल्पना है कार्य का। कार्य की संकल्पना ही तब है, कार्य की कल्पना ही तब करो जब उस वस्तु पर बल लग रहा हो, और अगर बल लग गया तो विस्थापन हो जाए उसमें, विस्थापन का मतलब स्थिति में परिवर्तन हो जाए, समझ आए, एक जगह से दूसरी जगह चला जाए वो। तो किसी वस्तु पर काम करने के लिए, कार्य करने के लिए इन दोनों दशाओं का एक साथ होना क्या है, आवश्यक, एक साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं बल लगा दिए और विस्थापन वो 3-4 दिन के बाद हो रहा है, आपने बल लगाया और उसी समय विस्थापन उपस्थित हो गई, तो मैं अभी के अभी तुरंत कह दूंगा कि आपने काम कर दिया, आपका काम हो गया, पैसे ले जाओ भाई, रुपये ले जाओ, जितना ले जाना ले जाओ, जितना हमारे बीच बात हुई है उतना ही लूंगा ना, यस ले जाओ। समझ आई क्या बात, इन दोनों दशाओं का एक साथ होना क्या है, आपके लिए आवश्यक है, तब आप कह पाएंगे कि आपने काम किया है अन्यथा नहीं किया है। क्या आपको आनंद आया, इन दोनों का होना आवश्यक है बच्चों, विस्थापन का होना आवश्यक है, कोई दिक्कत, तो आपने काम कर दिया, आपने काम कर दिया।
ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और उसे भी आप लिख लीजिए ताकि हम लोग अगले नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंच पाए। ठीक है, मिटा दिया जाए इसे। चलो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। अब आ जाओ भाई, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं जिसका नाम है 11.1.3, जिसको हम लोग कह रहे हैं एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, अब वैज्ञानिक दृष्टि से आपने देख लिया कि कार्य कब कहलाएगा, कार्य आपका करना कब कहलाएगा, वो आपने वैज्ञानिक दृष्टि से देख लिया। ठीक है, कब कहलाएगा। तो अब हम लोग एक नियत बल, अब नियत का मतलब क्या होता है वो अभी मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, तो एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, अगर मैं इसको इंग्लिश में कहना चाहूं तो लिख सकता हूं वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट फोर्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट कह सकते हैं बच्चों या फिर कह सकते हैं यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है, यूनिफॉर्म फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय अ कॉन्स्टेंट और या यूनिफॉर्म फोर्स, एक फोर्स जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, एक जैसा है। ठीक है बच्चों, एक जैसा है, समझ में आई बात पक्का। चलो आ जाओ, देखो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं यहां पर कार्य। ठीक है, सॉरी सबसे पहले मैं बताता हूं बच्चों आपको बल। ठीक है, बल सबसे पहले, बल बाय फोर्स क्या है। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला वह कारक जो उसके स्थिति में परिवर्तन ला सकता है, जो उसके स्थिति में परिवर्तन ला सकता है या वह कारक जो किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। कोई वस्तु गति में परिवर्तन है ना, वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, या वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ठीक है, ला सकता है, वह बल कहलाता है। वो क्या कहलाएगा बच्चों, बल कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए मेरे को यहां, मैं यहां पर हूं। ठीक है, आप मेरे को हटाना चाहते हो तो आपको एक कारक, एक मतलब एक प्रभाव की आवश्यकता पड़ेगी, एक प्रभाव मेरे ऊपर में करना पड़ेगा, वो क्या है, बल है। ठीक है, अगर मेरे गति में परिवर्तन करना है आपको, मैं मान लो कि स्थिर था और आपको मुझे गति करवाना है। ठीक है, तो आपको मेरे ऊपर में बल लगाना पड़ेगा। मान लो कोई जो है ना गाड़ी जा रही थी या फिर कोई साइकिल चल रहा था, उस साइकिल को आपको तेज गति करना है तो आपको पैडल जोर जोर से लगाना पड़ता है, मतलब बल अधिक लगाना पड़ता है। ठीक है, यस, तो बल लगाना है। अगर आपको किसी वस्तु को अधिक गति लाना है तो आपको बल लगाना पड़ेगा। किसी वस्तु गति करते हुए वस्तु को रोकना है तो वह भी गति में परिवर्तन कहलाता है, तो उस पर भी बल लगाना पड़ेगा। बोलिए, हाँ है ना, यस। गति में परिवर्तन का मतलब है कि गति में कमी भी लाना और गति में वृद्धि भी करना, तो दोनों के लिए आपको बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसी की स्थिति में परिवर्तन लाना है तो बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसी की आकृति में, अगर मान लो कि अगर तुम्हारे पास कोई गेंद है
कोई फुटबॉल है, फुटबॉल को तुमको गोला से चपटा बनाना है तो भाई तुमको दोनों तरफ से बल लगाना पड़ेगा। नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? बिल्कुल भाई, किसी चपटे से वस्तु को तुमको गोला बनाना है तो चारों तरफ से तुम बल लगा दो, वो एकदम गोल मटोल हो जाएगा, तो बल लगाना पड़ेगा। समझ गए ना बात? तो आकृति में परिवर्तन लाने के लिए, किसी के गति में परिवर्तन लाने के लिए, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए जिस भी प्रभाव का आपको आवश्यकता पड़ रहा है, दैट इज फोर्स, दैट इज फोर्स, ठीक है ना? या फिर हम कह सकते हैं काम करने के लिए जिस, यस काम करने के लिए भाई, यह भी एक उल्टा नाक पकड़ने जैसा है कि काम करने के लिए जिस कार्य की आवश्यकता पड़ रही है आपको, वह भी क्या है, वही क्या है, कार्य है, ठीक है। और मैं यहां से दावे के साथ लिख सकता हूं क्या कि बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक बच्चों न्यूटन, ठीक है, न्यूटन जिसको हम लोग कैपिटल एन से दिखाते हैं। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है बच्चों। बल एक सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब समझते हो। मैं बता चुका हूं आप सबको कि सदिश राशि क्या होती है। सदिश एक प्रकार का वह राशि नहीं, ये सदिश मैं नहीं लिखता हूं, मैं सदिश के बदले ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना। हमने बल को क्या कह दिया? सदिश राशि ना, तो मैं इसके बदले ये लिख देता हूं, अर्थात बल के पास परिमाण एवं दिशा दोनों होती है, ठीक है ना भाई। दिशा भी होगा और उसके पास परिमाण भी होगा, वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। बोले कोई दिक्कत? यस, बल के पास परिमाण भी हो जाता है और दिशा भी हो जाती है। तो काफी आपने भाई बल देख लिया कि बल क्या होता है, ठीक है। बल देख लिया, बल क्या है, उसके परिमाण क्या होते हैं, दिशा क्या होता है, वो आप जानते होंगे, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि किसी वस्तु पे बल लग रहा है, उदाहरण अगर मैं देना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु पे बल लग रहा है, 3 न्यूटन का बल लग रहा है और वो लग रहा है किधर? उत्तर दिशा में, ठीक है, उत्तर दिशा में। तो अब उत्तर किधर होता है वो आप जानकारी ले सकते हो, आप जहां पे भी उपस्थित हो उस जगह पे उत्तर किधर है वो देख लीजिए और देख लीजिए उस पर 3 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है। तो 3 न्यूटन उत्तर दिशा में, इसका मतलब हम आपको ये क्या बताना चाहते हैं? बल बताना चाहते हैं, क्योंकि दिशा भी है और न्यूटन मान भी है, तो यह क्या हो जाएगा, ये बल हो जाएगा। समझ आई? यस, पक्का आ गया आपको? चलो, तो अब एक नियत बल द्वारा, अब नियत बल क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बल तो मैंने बता दिया क्या होता है भाई, इतना काम करने के लिए जिसकी भी आवश्यकता पड़ी वो बल है, और बल एक सदिश राशि होती है। राशि क्या होती है पता है? वह भाई राशि क्या होती है, मतलब ऐसा पदार्थ, ठीक है ना, जिसको आप जोड़ सकते हो, घटा सकते हो, उसका परिमाण निकाल सकते हो, वह एक राशि होती है, ठीक है ना। तो यस, उसको आप जोड़ सकते हो, बल वाला एक, बल एक मैंने है ना, एक ऐसा जो है ना, एक ऐसा विशेष, ठीक है, हमारे पास एक विशेष उपस्थिति है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसे हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना, घटा सकते हैं, है ना, जिसका परिमाण निकाल सकते हैं, तो वो एक राशि होता है। फिर राशि दो प्रकार का, जिसके पास परिमाण भी होता है केवल, और जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों होती है, वो सदिश राशि होता है, ठीक है ना। तो यह बात आप समझ सकते हो, मिटा दूं मैं इसको। चलो, अब मैं क्या लिखने वाला था भाई, ये नियत बल क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। चलो, नियत बल क्या होता है, जब किसी राशि, जब किसी राशि के परिमाण, जब किसी राशि के परिमाण एवं दिशा में परिवर्तन नहीं होती है, परिवर्तन नहीं होती है, ठीक है, तब वह राशि नियत कहलाता है, तब वह राशि नियत कहलाता है, ठीक है, नियत कहलाता है, ठीक है, यस। जब किसी राशि के परिमाण एवं दिशा में, ठीक है, दिशा में कुछ समय अंतराल के लिए, है ना, कुछ समय अंतराल के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, कुछ समय अंतराल के लिए, ठीक है, कुछ समय अंतराल
के लिए, कुछ समय अंतराल के लिए परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है भाई, जब किसी राशि के परिमाण एवं दिशा में कुछ समय अंतराल के लिए परिवर्तन नहीं होता है तब वह राशि क्या कहलाता है? नियत कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार ठीक है, इसी प्रकार जब किसी वस्तु पर दिए गए समय अंतराल के लिए बल का परिमाण ठीक है, परिमाण एवं दिशा नहीं बदलता है तब बल नियत कहलाता है। समझ में आ गई ये बात? यह भी समझ में आ गई आपको? चलो तो अब आते हैं कि नियत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, यस। अब देखो भाई, परिभाषा देख लो। किसी वस्तु पर कार्यरत नियत बल का परिमाण एवं स्थिति में परिमाण का गुणनफल, स्थिति में परिमाण का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। देख लो बच्चों, क्या कहलाता है भाई? कार्य कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु पर कार्यरत नियत बल का परिमाण एवं स्थिति में परिवर्तन का परिमाण, ठीक है, परिमाण का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, या फिर बच्चों आप ऐसे भी दे सकते हो कार्य का परिभाषा कि किसी वस्तु पर कार्यरत बल का परिमाण एवं बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल ठीक है, यस, का गुणनफल। बच्चों यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, ठीक है, क्या, यस, का गुणनफल लिख दो, गुणनफल, ठीक है ना, गुणनफल, ठीक है, कार्य कहलाता है। गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों ऊपर वाले में ऐसे कुछ लिख देते, किसी वस्तु पर कार्यरत नियत बल का परिमाण एवं बल की दिशा में ये लिखना जरूरी है भाई, ये लिखना अति आवश्यक है। बल की दिशा में स्थिति में परिवर्तन का परिमाण का गुणनफल, ठीक है, परिवर्तन के परिमाण का गुणनफल, ऐसे कर दो, थोड़ा सा प्रीपोजिशन चेंज कर दो, परिवर्तन के परिमाण का गुणनफल कार्य कहलाता है। ठीक है, देख लो भाई, किसी वस्तु पर, मैं तुम्हें फिगर बना के बताता हूं ना भाई, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से जो लिखना है वो लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए ताकि मैं ऊपर वाला मिटा दूं। अब देखो, देखना भाई, भाई ये तुम्हारे पास एक वस्तु है, ठीक है, स्मॉल एम द्रव्यमान का, ये धरती पर रखा हुआ था, ठीक है, यस, तुमने इसके ऊपर में बल लगाया, एफ फोर्स लगाया और उसी दिशा में ये विस्थापित हो गया, ठीक है, तो ये कार्य कब कहलाएगा? तो बच्चों यहां से कार्य तब कहलाएगा जब यह बल और उसी बल के दिशा में विस्थापन हुआ है, तो बल और गुना में विस्थापन, यही क्या कहलाएगा भाई? कार्य कहलाएगा आपका। ठीक है, यह कार्य के बराबर होगा, कार्य बराबर कहलाएगा बल गुना में विस्थापन। तो जिधर बल लग रहा है ना उधर ही विस्थापन होना चाहिए, समझ आई क्या बात? यस। तो ये कार्य का परिभाषा हमने दे दिया, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य आपने निकाल लिया,
कि किसी वस्तु पर कार्यरत नियत बल का परिमाण एवं बल की दिशा में विस्थापन का गुणनफल गुणा करना क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से हमने कार्य का परिभाषा दे दिया भाई, मिटा दूं मैं सब कुछ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर भी बना देना, मिटा दो। चलो भाई हमने परिभाषा दे दिया है, परिभाषा आपके पास आ चुका है, वैज्ञानिक दृष्टि से हमने परिभाषा दे दिया है। देखना भाई, देखना भाई, परिभाषा से, किससे, परिभाषा से आपने, परिभाषा से आपने कार्य लिख दिया है। कार्य को बच्चों क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्क बोलते हैं, और दिखाएंगे किससे, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। तो बच्चों आपने कार्य लिख दिया है, कार्य बराबर क्या होता है, बल, बल का परिमाण है ना, बल का परिमाण, बल को किस दिखाओगे, एफ से, और क्या, उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए, उसी दिशा में विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। विस्थापन किस दिखाओगे, एस से, या फिर एक्स से भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो दैट मीन्स आपके पास डब्ल्यू बराबर क्या आ चुका है, डब्ल्यू बराबर एफ और गुना में एस, यही आपका कार्य है, ये आपका सूत्र प्राप्त हो गया, ये आपका क्या बच्चों, फॉर्मूला, ये सूत्र प्राप्त हो गया कार्य का, समझाई क्या बात। बट याद रहे, बल और गुना में बल की दिशा में विस्थापन, ये भी चाहो तो लिख लेना, बल की दिशा में, ठीक है ना बच्चों, बल की दिशा में विस्थापन, ठीक है, बल की दिशा में विस्थापन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाई, यस, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब इसके बाद आ जाओ भाई, समझ आई यहां पर, कार्य बराबर क्या होता है, बल और विस्थापन का गुणनफल, हाँ, लेकिन जिस दिशा में बल लग रहा है ना, उसी दिशा में आपका विस्थापन होना चाहिए, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखोगे तब आप लिखोगे W बराबर में FS लिख पाओगे, ठीक है। चलो अब आ जाओ यहां पर, Y कार्य एक अदिश राशि है, कार्य कैसा राशि है, अदिश, कार्य एक, भाई बल कैसी राशि वो मैंने आपको बता दिया है ना, तो कार्य एक अदिश राशि है, कैसा है, अदिश राशि है, अर्थात इसके पास केवल परिमाण होता है, केवल क्या होता है भाई, केवल परिमाण होता है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन, ठीक है, इसका मात्रक बच्चों न्यूटन, ठीक है, और गुना में मीटर, ठीक है, न्यूटन गुणा में मीटर, मतलब संकेत क्या हो गया, एन और एम, ठीक है, न्यूटन मीटर, या, ठीक है, जूल, ठीक है बच्चों, जे, कैपिटल जे, जूल होता है, ठीक है, क्या होता है इसका ऐसा मात्रक बच्चों, इसका मात्रक क्या क्या हो सकता है, न्यूटन मीटर या फिर जूल, या तो आप इसका मात्रक लिखोगे न्यूटन मीटर, या फिर क्या लिखोगे बच्चों, जूल लिखोगे। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, क्या ये बात समझ में आ गई आपको। चलो आ जाओ, अब आ जाओ विशेष स्थिति पर, इस पर आ जाओ बच्चों, विशेष स्थिति पर, ठीक है, विशेष स्थिति पर बच्चों, इसमें विशेष स्थिति क्या उत्पन्न करना है वो देखो बच्चों, यदि आपका, यदि है ना, पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, यदि बल एवं ठीक है विस्थापन, ठीक है, विस्थापन की दिशा समान होती है तब कार्य धनात्मक कहलाता है, तब कार्य कैसा होता है बच्चों, कार्य धनात्मक कहलाता है आपका, तब जो आपका जो कार्य है बच्चों, जो W निकलेगा, वो निकलेगा क्या, F और गुना में S, ये आपके कार्य का फलन होगा, ठीक है। मैं ये फिगर ही बना देता हूँ भाई, ठीक है, ये रहा आपके पास स्मॉल एम द्रव्यमान का वस्तु, इस दिशा में बल लग रहा है आपका, और इसी दिशा में आपका विस्थापन हो रहा है, ठीक है, ये मैंने फिगर बना दिया आपका, समझ आई क्या बात। तब आपका जो कार्य है बच्चों, वो धनात्मक होगा, कार्य क्या होगा, धनात्मक, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट ले लो, कार्य आपका धनात्मक होगा, ठीक है, यस, क्योंकि हमने परिभाषा ही लिखा है ना कि कार्य बराबर होता है बल और बल की दिशा में विस्थापन, तो आपका काम क्या कहलाएगा, कहेगा कि भाई तुम धनात्मक कार्य किए हो, क्या किए हो, धनात्मक काम किए हो, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट्स ये देखो, यदि
वस्तु पर कार्यरत बल, यदि वस्तु पर कार्यरत बल एवं विस्थापन की दिशा, विस्थापन की दिशा विपरीत हो, विस्थापन की दिशा कैसा हो भाई, विपरीत हो, विपरीत हो, तब कार्य ऋणात्मक कहलाता है। कब कार्य कैसा कहलाता है, कार्य ऋणात्मक कहलाता है, ठीक है, ऋणात्मक कहलाता है। ओके, जैसे तुम देख लो इस स्थिति में क्या होगा, आपका जो कार्य है बच्चों W है वो माइनस एफ एस आएगा, माइनस एफ एस आएगा। इस स्थिति में फिगर कैसा बनेगा आपका वो देख लो बच्चों, ये आपके पास स्मॉल अंडरबान का वस्तु है, आप इधर बल लगा रहे हो, ठीक है, मतलब कोई वस्तु हमारी तरफ गति कर रहा है और मैं इसको रोकने के लिए, ठीक है, जो बल होगा ना बच्चों, जो बल होगा आपको, उस बल को हम लोग फिर अवमंदक बल बोलते हैं, अवमंदक बल, ठीक है। और बच्चों विस्थापन इस वस्तु का आगे की ओर हो रहा हो, मतलब वस्तु तो हमारी ओर ही आ रहा है लेकिन हम बल पीछे की ओर लगा रहे हैं, विपरीत दिशा में, वस्तु हमारी तरफ आए जा रहा है और मैं इसको रोकने के लिए बल जो है वो पीछे की दिशा में लगा रहा हूं, पीछे की दिशा में, और विस्थापन आगे की दिशा में, समझ में आई क्या बात। तो विस्थापन और भाई विस्थापन क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन का दिशा, भाई विस्थापन एक सदिश राशि होती है बच्चों, ठीक है, तो विस्थापन मतलब स्थिति में परिवर्तन आगे की हो रही है, वो धीरे धीरे मेरे पास आ रहा है इसलिए परिवर्तन मेरी तरफ हो रही है, और वस्तु पर जो बल है बच्चों वो हम लोग उसके विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, बोलो हाँ या ना, तो हमारा जो किया गया कार्य है वो क्या आएगा, ऋणात्मक होगा, माइनस एफ एस होगा, ठीक है, यस। अब थर्ड पॉइंट देखो, ठीक है बच्चों, अब थर्ड पॉइंट देखो क्या, कि यदि बल या विस्थापन, यदि बल या विस्थापन में से कोई भी राशि शून्य हो, कोई भी राशि शून्य हो, तब कार्य शून्य होता है, तब कार्य क्या होता है बच्चों, तब कार्य क्या होता है आपका, शून्य होता है, तब आपका कार्य शून्य कहलाएगा, W बराबर क्या कहलाएगा, जीरो, ठीक है। स्थिति क्या हो गया, फिगर क्या हो गया, ये देखो वस्तु है आपके पास स्मॉल अंडरबान का, मतलब बड़ा मोटा तगड़ा वस्तु है, आप बल तो लगा रहे हो, मतलब आगे की दिशा में बल लगा रहे हो, लेकिन इसमें विस्थापन कुछ भी नहीं हुआ, ये ना घसका ना फटका ना मटका, ठीक है ना भाई, कुछ भी नहीं हुआ, ना हिला ना डुला, तो आपका कार्य कितना है, इस वस्तु पर कितना काम किया है आपने, जीरो। यही बात तो हम पहले भी कह रहे थे, बोलो हाँ या ना, यस। या फिर मान लो विस्थापन तो हो रहा है लेकिन आप बल ही नहीं लगा रहे हो, तो काम कितना कर रहे हो, जीरो। तुम काम थोड़ी कर रहे हो, वस्तु अपने खुद ब खुद चल रहा है भाई, काम थोड़ी कर रहे हो, फिर बोलो हाँ या ना, यस। तो बच्चों यही हो गया आपके एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, इसमें बल क्या रहना चाहिए, नियत का मतलब क्या, हर एक समय पर आप 2 न्यूटन का बल ही लगा रहे हो, समझ में आई क्या बात, आई क्या, यस। तो बच्चों ये पूरा का पूरा था एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने नोट्स को तैयार कर लीजिए। क्या यह सब सारी बात समझ में आ गई आपको, नहीं आई है तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिए, समझ में आ जाएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, या फिर आप जब मुझसे मिले तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, सी यू सून, जल्दी से हम मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।